हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम की चटपटी मैंगो कैंडी। इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत कम टाइम में बनकर के तैयार हो जाती है और इसे बनाने के लिए हमें बहुत कम धूप की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं कच्चे आम की चटपटी मैंगो कैंडी बन। ये है कच्चे आम की कैंडी के इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें ताकि आप और भी रेसिपीज़ देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कच्चा आम लिया है, इसे हम धोकर छील लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पील करेंगे, ऊपर से इसका छिलका उतार लेंगे। तो मैंने इसको छील लिया है, अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो मैंने इसको कट करके इसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं, आप कोई भी साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने कच्चे आम को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 4 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक, और इन सबको मिलाकर हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो मैं इसे ढक कर रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पतीले में। तो ये जो सारा कच्चा आम है इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे पतीले में, और इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे, जब तक कि ये कच्चे आम का कलर चेंज ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, देखिए आम का कलर भी चेंज हो गया है। तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हमें इस कैंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है, तो हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने एक और स्ट्रेनर लिया है, इसे एक बार और स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो एक फोक की हेल्प से मैं इसको फैला दे रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से हम इसे फैला देंगे और इसे ठंडा होने को रखेंगे। और जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने इस पे काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल किया है। अब हम इस पर डालेंगे चाट मसाला। तो इस तरीके से हम इस पर चाट मसाला डालेंगे, और अब डालेंगे हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, जिससे कैंडी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो ये सब मसाले डालने के बाद हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आम पर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। आम जब गर्म होगा तभी हमें मसाले डालने हैं, ठंडा होने के बाद मसाले डालने से इनकी जो कोटिंग है वो नहीं आ पाएगी आम के ऊपर। तो एक फोक लेके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम कैंडी को दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिस प्लेट में हम कैंडी को सुखाएंगे। तो इसे हम 8 से 10 घंटे पंखे की हवा के नीचे सुखाएंगे, और 15 मिनट के लिए हम इसे सुखाएंगे धूप में। तो एकदम अच्छे से सुखाने के बाद ये देखिए मैंगो कैंडी बनकर के तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।